चलिए शुरू करते हैं। साइंस का प्रैक्टिस सेट दो करेंगे हम लोग आज, और ये बिहार DLED के लिए है जिसका एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है। फटाफट शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि हमारा टेलीग्राम का चैनल है, आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि तापमान में किसी भी परिवर्तन के बिना द्रव को गैस में परिवर्तित करने और इसके विपरीत करने में आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को किस रूप में जाना जाता है। क्या कह रहा है? द्रव है, ठीक है, द्रव को किस में बदलना है? गैस में, ठीक है। टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होगा, और इसके विपरीत करने में आवश्यक ऊर्जा जो होता है वो क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आपका बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। अब देखिए ये क्या होता है, कई सारे ऐसे टर्म हैं जो आपको पता नहीं है, मैं बता देता हूँ। पहला होता आपका ऊष्मा। पहले ऊष्मा क्या होता है आपका? ऊष्मा है ऊर्जा का एक रूप जो कहाँ से कहाँ तक जाती है, जो कि गर्म वस्तु से किधर जाती है, ठंडी वस्तु की तरफ बहती है, फ्लो करती है वो, ठीक है। दूसरा होता है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा क्या होता है? गुप्त ऊष्मा होता है आपका किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान को, ठीक है ना, बिना ताप में परिवर्तन के द्रव में बदलने के लिए जो ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता होती है ना, उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं हम। गुप्त ऊष्मा समझ गए? ठीक है, इकाई द्रव्यमान को बिना किसी टेम्परेचर के चेंज के द्रव्य में बदलने के, यही पूछ रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन में भी वही है, ठीक है, उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। एक होता है आपका विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है कि इकाई द्रव्यमान के तापमान को, लिखने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, इकाई द्रव्यमान है किसी भी चीज़ का, उसके ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी आवश्यक ऊष्मा होगी ना, आवश्यकता, उसको हम विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया गुप्त ऊष्मा के कारण, गुप्त ऊष्मा का पूछा गया किसमें? द्रव को गैस में बदलने का, तो उसे हम कहेंगे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। अगला प्रश्न है, एक पोटेंशियोमीटर है, ठीक है ना, उसकी सुग्राहिता, इसको सुग्राहिता को क्या कहा जाता है? सेंसिटिविटी कहा जाता है। सेंसिटिविटी क्या होता है? सेंसिटिविटी होता है कि आपका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो कि मेजर हो सकता है उसे हम सेंसिटिविटी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं? इसको हम बढ़ा सकते हैं लंबाई बढ़ाकर या फिर विद्युत धारा को कम करके, दोनों ही। पोटेंशियोमीटर में होता है ना आपका, एक होता है इसका कि स्मॉलेस्ट यूनिट में जितना कम वोल्टेज हम मेजर कर सकें ना, वो पोटेंशियोमीटर सबसे सही होता है वो। इसको हम कैसे सही कर सकते हैं? या तो उसकी लंबाई बढ़ाकर कर सकते हैं, या फिर प्रत्येक पार्ट में विद्युत धारा को कम करके हम इसकी सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब है आपका अगला प्रश्न कि एक बिंदु है जो कि 9 सेंटीमीटर दूर स्थित है और एक आवेश है, तो इसका विभव क्या होगा? विभव होता है आपका पोटेंशियल, यानी कि वोल्टेज क्या होगा आपका? वोल्टेज कैसे मेजर कर सकते हैं हम? देखिए वोल्टेज का एक फॉर्मूला होता है। देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ, पहले ये हम देखते हैं। एक आवेश दिया हुआ, आवेश मतलब कि क्यू दिया हुआ है। क्यू इक्वल टू क्या दिया हुआ आपका? 2×10⁻¹ कूलम्ब, ठीक है। और क्या दिया हुआ हमें? डिस्टेंस दिया हुआ, आर दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर का। और क्या दिया हुआ है हमें? बस यही दिया हुआ है। और हमें निकालना है विद्युत विभव क्या है, वोल्टेज निकालना है। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपने शायद 10th क्लास में पढ़ा भी होगा कि 1/4 πε इसको बोलते हैं, ∗Q/R। इसका जो वैल्यू होता है ना, बाई डिफॉल्ट होता है 9×10⁻¹, ठीक है। क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 2×10⁻¹, और आर सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को मैं बदल देता हूँ मीटर में, 09 मीटर हो जाएगा वो, 0.09 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसे मैं अगर हटाऊँ तो क्या हो जाएगा? 9×10⁻¹
-2 हो जाएगा ये, ठीक है, तभी यहाँ पर 2 पॉइंट लगेगा, ये हट करके 10^2 ऊपर आ जाएगा वो, ठीक है। तो देखिए 9 और 2 कितने हो गए, 11, 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 से 9 कैंसिल आउट, यानी कि 2 × 10^11 -7, यानी कि 2 × 10^4 वोल्टेज यहाँ पर होगा, कितनी दूरी पर, पी बिंदु से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है, सिंपल है आपका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें देखिए क्या होता है, एक कोर होता है आपका, काफ़ी माइक्रोन में होता है, 10^-6 के रेंज में होता है, और इसके ऊपर एक क्लैडिंग होती है, ये आपका हो गया कोर और उसके ऊपर होता है क्लैडिंग। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है, जो कोर होता है ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफ़ी कम होता है, लो होता है, ठीक है, इसका हाई होता है और क्लैडिंग का लो होता है, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। और किस सिद्धांत पर काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके का एक संख्यात्मक माप है, वस्तु का द्रव्यमान क्या है, किसका, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान होता है ना उसके जड़त्व का माप है। जड़त्व क्या होता है, जड़त्व होता है गति में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है, वो गति में परिवर्तन का प्रतिरोध यानी कि रोकता है वो। किसी वस्तु के जड़त्व के कारण वह चलती रहती है, ठीक है ना, कब तक चलती रहती है, जब तक वह उस पर कोई बाहरी बल असंतुलित बल न लगाया जाए वो, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा जड़त्व भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। आगे बढ़ते हैं, एक ट्रेन 4 सेकेंड में अपनी चाल 144 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक कम करती है, तो त्वरण बताइए। सबसे पहले देख लेते हैं त्वरण क्या होता है, त्वरण क्या होता है आपका, समय के साथ चाल में परिवर्तन की दर ही त्वरण कहलाता है वो। त्वरण एक सदिश राशि है, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, त्वरण का इकाई भी कभी कभी पूछ देता है, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, स्पीड कम हो रहा है, तो यह त्वरण कैसा होगा, ऋणात्मक त्वरण होगा वो, यानी कि स्पीड घट रही है। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, त्वरण का v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, v आपका है फाइनल वेलोसिटी, यू है इनिशियल वेलोसिटी और टी हो गया टाइम, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूले में इसको हम रख देते हैं, v कितना आपका 144, v है आपका 72, फाइनल है आपका 72 और इनिशियल 144 और टाइम कितना है आपका 4 सेकंड, बस इतना ही तो है, इसे कैंसिल आउट कर दीजिए, 72 × 144 हो जाएगा तो 72 आ जाएगा डिवाइड बाई 4, लेकिन ये ध्यान रखिए किलोमीटर पर आवर में और नीचे सेकंड में है, तो 72 को भी मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो इसे हम 5/18 से गुना करेंगे, डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा, 18 × 4 = 72, ये आपका 20/4, इस ध्यान रखिए माइनस में आएगा ये, ठीक है, माइनस में, यानी कि -5 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से इसका त्वरण हुआ है, ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला है आपका सेतु, ये नाम है लड़के का, क्या करता है वो कि लकड़ी की मेज, एक सेतु को लकड़ी की मेज की तुलना में धातु की प्लेट पर अधिक ठंडा महसूस हुआ जब उसने उसको अपने हाथों से छुआ, क्योंकि क्यों हुआ ये देखिए, देखिए लकड़ी क्या है आपका, विद्युत का कुचालक है, लकड़ी तो विद्युत का कुचालक है, और धातु का जो प्लेट है वो विद्युत का सुचालक है, और जो उष्मा है वो गर्म वस्तु से किस तरफ फ्लो करती है, ठंडी वस्तु की तरफ, ठीक है। तो ठंडी के मौसम में दोनों तो सेम ही टेम्परेचर पर है, लेकिन जब हम उसको टच कर रहे हैं तो उष्मा किस तरफ फ्लो कर रही है, लकड़ी कुचालक है तो हम इसे टच करेंगे तो हमारा शरीर तो गर्म है, लेकिन कुचालक होने के कारण लकड़ी में ऊष्मा का प्रवाह नहीं होगा, इसलिए हमें ठंडा महसूस होगा ही नहीं, लेकिन धातु की प्लेट सुचालक है, हमारा टेम्परेचर क्या है, हमारे शरीर का ज़्यादा है, जैसे हम टच करेंगे हमारे शरीर से ऊष्मा धातु की प्लेट में जाएगी, क्योंकि ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ जाती है, इसलिए धातु की प्लेट हमें ठंडी महसूस होगी। तो देखिए ऑप्शन कौन सा सही है,
लकड़ी की तुलना में धातु की प्लेट अधिक ऊष्मा ऊर्जा का संवहन करती है। इसमें तो संवहन हो ही नहीं रहा है लकड़ी में, जबकि धातु में हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन चौथा इसका सही उत्तर है। अगला है, जब हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण है उसका मान क्या होता है। देखिए, पृथ्वी हमारी कुछ ऐसी चपटी है, ठीक है ना, और फॉर्मूला क्या होता है आपका गुरुत्वाकर्षण का, कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए, ये डिस्टेंस के यानी कि जो त्रिज्या है ना, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप ध्यान से देखो तो पृथ्वी की त्रिज्या यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पर पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, कम है। तो अगर आर का डिस्टेंस बढ़ता है तो क्या होगा, जी का मान क्या होगा, घटेगा। ठीक है, और आर का डिस्टेंस अगर घटता है, जैसा कि हम ऊपर जा रहे हैं, तो जी का मान क्या होगा आपका, वो बढ़ेगा। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव की ओर जा रहे हैं हम, यहाँ से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो आर का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, तो जी का मान क्या होगा आपका, बढ़ता जाता है। ठीक है, अच्छा, इसमें कुछ और एडिशनल पॉइंट है। मान लीजिए कि मीटर पर सेकंड में ही इसका आपका फॉर्मूला गुरुत्वाकर्षण का जो मान क्या कहते हैं इसको, यूनिट यही होता आपका। ठीक है, और आगे क्या था, जब हम भूमध्य रेखा से पृथ्वी की सतह पर रहते हुए उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा आपका, बढ़ेगा वो। ठीक है, क्यों, क्योंकि भूमध्य रेखा जो है ना उसकी त्रिज्या ज़्यादा है, और जो ध्रुवों की ओर जाते हैं तो त्रिज्या क्या होती है, कम होती है। और क्या होता है, मानो पृथ्वी अचानक अपनी धुरी पर घूमना बंद कर दे तो जी का मान जो है ना, जो यहाँ पर होगा वही जी का मान ध्रुवों पर भी होगा। ठीक है, प्रोपेन के सह संयोजक आबंधों की कुल संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले प्रोपेन का फॉर्मूला देख लेते हैं। प्रोपेन का फॉर्मूला होता है आपका इथेन मीथेन प्रोपेन C3H8। तो आबंध कितने हो जाएंगे, कार्बन है इसमें टोटल तीन, हाइड्रोजन कितने हैं आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात, और ये हो गया आठवां। ठीक है, दूसरा, सहसंयोजक आबंधों की कुल संख्या कितनी है, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10, टोटल 10 सहसंयोजक बंधन है इसमें, जिसमें से कार्बन के बीच में सिर्फ दो है और बाकी जो बच गए वो हमारा कार्बन और हाइड्रोजन का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, ये थोड़ा सा है लेकिन आपको बेसिक की जानकारी इससे मिल जाएगी। पहला कथन पढ़ते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है ये, जिन्हें आवर्त के रूप में जाना जाता है। ये गलत है, आवर्त नहीं, उसे हम कहते हैं क्या, समूह कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया गलत। और क्या कह रहा है, और सात क्षैतिज पंक्तियों को समूह कहा जाता है, देखो उल्टा लिखा हुआ है, इसे हम आवर्त कहते हैं। तो पहला तो हो गया कथन आपका गलत। आवर्त सारणी में समूह एक समान बाह्य कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, समूह क्या, जैसे ये है ना आपका समूह, ऊपर से नीचे की तरफ होता है वो। ठीक है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, इसे हम समूह कहते हैं। तो इसमें एक समूह में ना, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया आपका, चलिए यहाँ पर मैं ड्रॉइंग कर देता हूँ, ये आपका पीरियोडिक टेबल मान लो। तो इस समूह में जितने भी तत्व हो गए ना, सभी का बाह्य इलेक्ट्रॉन कोष विन्यास क्या होगा, सबका सेम होगा। तो आपका ये दूसरा सही है, जबकि पहला गलत है, इसमें से ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आमतौर पर पाए जाने वाले पृष्ठ संभारक सरफेस फीडर मछली क्या है। सरफेस फीडर मछली क्या होती है, जो अपना भोजन पानी के लगभग सतह पर से खाती है। तो वो सिर्फ एक ही मछली है, वो आपका कतला है वो। ठीक है, पृष्ठ संभारक वे मछलियाँ होती है जो भोजन किसे वायु या जल के अंतर पृष्ठ से लेती है, मतलब कि जल के अंदर से ही अपना पृष्ठ भोजन को क्या करती है, वो ग्रहण कर लेती है, जल के सतह के ठीक नीचे आहार ग्रहण करती है। पृष्ठ संभारक का मतलब ये हुआ, ये इसमें आपका कतला आ जाता है। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है आपका पालक में। कहोगे सर सिरके में भी तो पाया जाता है, नहीं, सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड। सर संतरे में क्या पाया जाता है, संतरे में भी पाया जाता है आपका साइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड कहते हैं। पालक में आपका ऑक्जेलिक अम्ल हो गया,
और चींटी के डंक में पाया जाता आपका फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो इसका सही उत्तर था पालक। आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? देखिए, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव करवाए थे, लगता है इसका पाचन तंत्र में, तो आपको बताया था कि पित्त रस और अग्न्यायी रस है ना, जो पेट के बाद भोजन में मिलते हैं और यह वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, पित्त रस क्या होता है आपका, पहले पित्त रस के बारे में देख लेते हैं। यह यकृत द्वारा निकलता है, यकृत द्वारा स्रावित होता है, इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है वो। ठीक है, यह पित्तरस क्या करता है, भोजन को क्षारीय बनाता है और क्या करता है, वसा के अणुओं को क्या करता है, तोड़ता है, वसा को क्या कर देता है, यह तोड़ता है। ठीक है, अग्न्याशय, अग्न्याशयी रस कहाँ से निकलता है आपका, यह अग्न्याशय से निकलता है। क्या करता है ये, इसमें तीन तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, देख लेते हैं। एक होता है एमाइलेज, एमाइलेज ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन भी पाया जाता है इसमें, लाइपेज पाया जाता है, एमाइलेज, कई सारे एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये दोनों अंगों के द्वारा जो स्रावित होते हैं ना एंजाइम, बाहर वसा को पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन तीसरा सही उत्तर है। किस एक कोशिका अंग को आत्मघाती थैली कहा जाता है? सिंपल प्रश्न है ये, सभी से बन जाना चाहिए, ये हो जाएगा आपका। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। सर प्लास्टिक क्या होता है, लाइसोसोम के बारे में पहले हम देखते हैं। यह आत्मघाती थैली कहा जाता है जिसमें जल अपघटीय एंजाइम होते हैं, वो जल अपघटक एंजाइम होता है, जो यानी कि कोशिका के क्षतिग्रस्त होने पर यह क्या हो जाता है, फट जाता है और कोशिका का क्या हो जाता है, खात्मा हो जाता है। प्लास्टिड क्या होता है आपका, यह पौधे कोशिका में पाए जाने वाले दोहरी झिल्ली के अंगक होते हैं। ठीक है ना, वर्णक भी होते हैं जो कि कलर प्रदान करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं, भोजन के भंडारण में भी यह प्लास्टिड मदद करते हैं। अंतःप्रद्रव्यी जालिका, ये दो तरह का होता है, स्मूथ और रफ। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोलते हैं इसको, स्मूथ और रफ। इस पर क्या होता है, राइबोसोम पाया जाता है जो कि प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको पता है, इसे ऊर्जा हाउस, पावर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या था आपका, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। इन्फ्लुएंजा क्या कह रहा है, इन्फ्लुएंजा रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, तो ये आपका होता है विषाणु के कारण। देखिए कुछ रोग मैं बताता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, जैसे कि क्षय रोग किसके कारण होता है आपका, क्षय रोग होता है जीवाणु के कारण। ठीक है, और होता है आपका इन्फ्लुएंजा हो ही गया आपका, मलेरिया किसके कारण होता है ये बताइए, मलेरिया किसके कारण होता है, मलेरिया होता है आपका प्रोटोजोआ के कारण, प्रोटोजोआ के कारण। ठीक है, एक होता है कवक, कवक से कौन सा ये फफूंदीय संक्रमण होता है आपका। ठीक है, फफूंदीय संक्रमण, जीवाणु से आपका क्षय रोग हो गया, प्रोटोजोआ से आपका मलेरिया हो गया। ठीक है, तो इन्फ्लुएंजा के बारे में पूछा था, इन्फ्लुएंजा आपका होता है विषाणु के कारण। ठीक है, पौधों को कितने समूह में विभाजित किया गया, पांच समूह में विभाजित किया गया, आपको पता भी होगा। पहला है आपका थैलोफाइटा, नाम लिख देता हूँ डिटेल में आप देख लेना। दूसरा है ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा मतलब कि जिनके शरीर जो होते हैं ना वो जड़, तन और पत्तियों में विभक्त नहीं होते हैं। ब्रायोफाइटा जिनके विभक्त होते हैं, किसमें, तने पत्ती जड़े समय विभक्त होते हैं। तीसरा आपका होता है पेरिडोफाइटा, पेरिडोफाइटा, और चौथा होता है आपका जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या होता है, नग्न बीज पौधे, नग्न बीज पौधे जिसमें बीज नहीं होते हैं। पांचवा होता है आपका एंजियोस्पर्म, बीज देने वाले पौधे होते हैं। इन्हीं पांच भागों में पूरे प्लांट किंगडम को बांटा गया है। ठीक है, डेंगू किसके कारण होता है आपका, डेंगू अभी बताया हूँ मैं, विषाणु के कारण होता है वो। मच्छर जनित वायरल बीमारी है ये। ठीक है, डेंगू विषाणु जो है ना मादा मच्छरों द्वारा प्रेषित किया जाता है, किसके द्वारा, एडीज एडिप्टीज कहा जाता है इसको, एडीज
एजिप्टी के कारण ये मच्छर के कारण होता है। या डेंगू मच्छर हर जगह पाए जाते हैं, आमतौर पर यह दिन में काटते हैं, रात में नहीं काटते, दोनों जगह पाए जाते हैं, घर के अंदर होता है, ऐसा नहीं कि आप सुरक्षित हो, घर के अंदर भी ये पाए जाते हैं। 6 दिन के बाद अगर काट लेगा ना, तो 6 दिन के बाद बीमारी के लक्षण विकसित होने शुरू हो जाते हैं। तो डेंगू विषाणु के कारण होता है, एडीज एजिप्टी मच्छर इसका वाहक है, ठीक है। अगला है आपका, खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित कौन करता है आपका? ये करता है आपका मेडुला ओब्लोंगाटा, ठीक है। प्रमस्तिष्क है एक आपका, देखिए प्रमस्तिष्क क्या करता है आपका, प्रमस्तिष्क प्रमस्तिष्क को हम कहते हैं सेरेब्रम। ये क्या करता है सेरेब्रम? आपका भाषा और संचार सीखना, स्मृति जिसे कहते हैं ना, याददाश्त, याद रखने का जो है ना काम, वो प्रमस्तिष्क सेरेब्रम करता है। एक होता है आपका अनुमस्तिष्क, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये अनुमस्तिष्क को कहते हैं सेरेबेलम। ये हमें शरीर को संतुलित करता है, ये शरीर को संतुलित मतलब कि मुद्रा संतुलन, हृदय संबंधी हो गया संतुलन की गति, जैसे हम खड़े रहते हैं तो हम एक संतुलित अवस्था में होते हैं, हम यानी कहीं खड़े होकर गिरते नहीं हैं, लेकिन अगर सेरेबेलम काम करना बंद कर देना तो देखो कभी हम लोग क्या हो जाते हैं, डगमगा जाते हैं, ठीक है। और खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक अभिक्रिया को कौन नियंत्रित करता है? ये आपका मेडुला ही करता है। और कौन से? जैसे दिल की धड़कन हो गया, श्वसन हो गया, यह सभी भी यही नियंत्रित करता है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा सूत्र चूना पत्थर का प्रतिनिधित्व करता है? सिंपल है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसका निर्माण, इसका प्रयोग किस में किया जाता है? सीमेंट के निर्माण में किया जाता है। कौन सा तत्व तो मेंडलीव की आवर्त सारणी का अंतिम तत्व था? वो था आपका यूरेनियम। जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाया था ना, तो उस समय सिर्फ 63 तत्व ज्ञात थे, सबसे लास्ट वाला क्या था आपका? यूरेनियम ही था, 1869 ईस्वी में विकसित किया था, ठीक है। मेंडलीव का आवर्त सारणी किस पर बेसित था आपका? परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु द्रव्यमान, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में था। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी जो है ना, वो हेनरी मोसले ने बनाया है, ठीक है, कब? 1913 ईस्वी में। और यह किस पर बेसित है? परमाणु क्रमांक पर, SPDF ब्लॉक में इसे विभक्त किया हुआ, 4 ब्लॉक में SPDF पढ़ा होगा आपने, ठीक है। और 18 स्तंभ है इसमें और 7 क्षैतिज आवर्त हैं इसमें, ठीक है। आगे बढ़ता, ये लास्ट प्रश्न था, 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और एक लाइक करते हुए जाइए। थोड़ा दिक्कत है इसलिए लगातार लेक्चर अपलोड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कोशिश करूँगा कि जल्द ही जल्द जल्द से जल्द अगला लेक्चर आए, ठीक है। थैंक यू।